विरोध कर रही है और इसे लेकर आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बीजेपी नेता को हुआ जेल। बता दें कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा अपने मुकाम को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से बीजेपी ने अपना भी यात्रा निकाला है। उस यात्रा में रोड शो भी हो रहा है, कुछ रैलियां भी हो रही है, लेकिन उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कुछ लोग मिल जाते हैं। जो कुछ लोग बीजेपी का अपना बयान रखते हैं और कांग्रेस का अपना बयान रखते हैं, वो लोगों में विवाद छिड़ जाता है और उसी दौरान मारपीट पर उतर आते हैं दोनों संघ। उसी वक्त पूरे नेतागण जुड़ जाते हैं और नेतागण भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जो मारपीट के दौरान बहुत ज़्यादा बात आगे फैल जाता है और इस विवाद को आगे फैलते हुए लोगों ने और ज़्यादा विवाद आगे बढ़ जाता है और ये हिंसा में बदल जाता है। उसी वक्त कार्रवाई तेज़ी होती है, वहाँ पर प्रशासन जुटती है और उसी वक्त कई बीजेपी नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। इसको लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जितने भी समस्या नेतागण ने शुरू किए थे वो समस्या वहाँ पे दिखी गई। यहाँ पूरा देश के जितने भी बीजेपी नेता हैं वो रिक्वेस्ट पर लग चुके हैं कि उनको छुड़ा लिया जाए, लेकिन कांग्रेस का बयान है कि ऐसे करने वाले को छुड़ाया नहीं जा सकेगा। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे, और वो भी दावा वो लोग हिंसा में बदल रहे हैं और वो अफरा तफरी का माहौल बीजेपी खुद शुरू कर रही है, तो इस पे उनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि ये मारपीट का माहौल दोबारा शुरू ना कर सके। इस पे कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, ये खबर फिलहाल बताया अभी जा रहा है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।